Hello guys, welcome back my channel, let's learn with fun. और आज का हमारा टॉपिक है स्टैम्प। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस। लेट्स स्टार्ट द शूट सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है स्टैम्प। पहले देखते हैं स्टैम्प के वर्क क्या होते हैं। इसके फोर वर्क होते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा, इट सपोर्ट्स लीव। ये लीव को सपोर्ट करती है। लीव जो किस में लगी होती है, स्टैम्प में लगी होती है। नंबर टू है हमारा, इट कैरीज वाटर एंड फूड टू द लीव्स एंड द रूट। रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं उसको प्लांट के अदर पार्ट्स तक कौन ले जाता है, स्टेम के थ्रू। और जो फूड बनता है, लीव फूड बनाती है, वो अदर पार्ट पे कौन ले जाता है, स्टेम ले जाती है। नंबर थर्ड पे हमारा आता है, इट स्टोर्स फूड। कुछ स्टेम्स जो होती हैं, मॉडिफाइड स्टेम, वो फूड को स्टोर करती हैं। फूड जो है उन स्टेम में स्टोर होता रहता है। और नंबर फोर है, ग्रीन स्टेम प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स इन सम प्लांट्स। ग्रीन स्टेम जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करती हैं कुछ कुछ प्लांट्स में जिनकी ग्रीन स्टेम्स होती हैं। आइए जानते हैं स्टेम कैसे होती है। मॉडिफाइड स्टेम देखते हैं। मॉडिफाइड स्टेम कौन कौन सी होती है, चलिए देखते हैं। Some plants have modified stem to meet special requirement. These modification can have unusual and interesting shape. Some of the modified stem can even be underground. बहुत सी स्टेम जो होती हैं वो अंडरग्राउंड भी होती हैं। तो इस पर कौन कौन सी, एक तो जिंजर। जिंजर जो है वो एक स्टेम है। और ये कौन सी स्टेम है, ये मॉडिफाइड स्टेम है। ये ज़मीन के अंदर रहती है। नंबर हमारी नेक्स्ट मॉडिफाइड स्टेम है कैक्टस। द कैक्टस डजंट हैव लीव्स। टू मेक फूड इट यूजेस इट्स स्टेम इंस्टेड ऑफ लीव। कैक्टस की जो स्टेम होती है वो मॉडिफाइड होती हैं। और जो कैक्टस अपना फूड बनाते हैं वो किसके थ्रू बनाते हैं, स्टेम के थ्रू बनाते हैं। इसकी स्टेम जो होती है वो बहुत ही थिक होती है और वैक्सी, इसमें वैक्स होता है इसकी स्टेम में, जिसकी वजह से वाटर लॉस बहुत कम होता है इसमें। नंबर थ्री पर हमारी आती है टेंड्रल्स। प्लांट लाइक क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स हैव टेंड्रल्स। ये टेंड्रल्स क्या होते हैं, एक मॉडिफाइड स्टेम होती है। ये बहुत ही थ्रेड लाइक, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं टेंड्रल्स। और ये क्रीपर्स और क्लाइंबर्स जो प्लांट होते हैं उसमें पाया जाता है। इसका वर्क क्या होता है, ये जो अपने पास भी ट्री होता है या कोई भी सपोर्टिंग सिस्टम होता है उसमें अपने आप को रैप कर लेती है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है, ऊपर की तरफ क्लाइंब अप करता है। ये जो स्प्रिंग जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, टेंड्रल्स, मॉडिफाइड स्टेम। फोर्थ भाई मॉडिफाइड स्टेम कौन सी है, पोटैटो। पोटैटो भी एक मॉडिफाइड स्टेम है, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। सॉरी, जिंजर और पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम।